रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। ऑस्ट्री था प्रीक्वल का क्लाइमेक्स, क्यों करण जौहर ने रुकवाया था फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाहुबली के असली माता पिता है कौन। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाहुबली की तीसरी कड़ी को आने में अभी 2 साल का वक्त है। कहा जा रहा है कि फिल्म को 2024 में लाने का प्लान राजामौली और उनकी टीम कर रही है। अब वहीं बाहुबली 3 के बजट को लेकर एक्सपर्ट्स खास अंदाजा लगा रहे हैं, ये फिल्म अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर हाईएस्ट बजट की फिल्म साबित होने वाली है। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्मों का बजट काफ़ी तगड़ा है, और जिस दौरान ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दौर बाहुबली सबसे ज़्यादा महंगी फिल्मों में से एक शामिल हुई थी। अब कॉस्ट की बात करें तो बाहुबली 2 का अकेला सिर्फ क्लाइमेक्स ही हाई बजट के साथ बनाया गया। साउथ की एवरेज फिल्में 30 से 60 करोड़ के बजट में बनती आ रही हैं। ऐसे में बाहुबली 2 के अकेले क्लाइमेक्स के लिए 30 करोड़ बहाने पड़े थे। वहीं कास्ट की बात करें तो इस फ्रेंचाइज में अभी और भी किरदार जिन्हें जानना अभी बाकी है। हर किरदार का अपना एक पास्ट है जिसके बारे में फिल्म में सिर्फ इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि फिल्म पूरी तरह से बाहुबली पर बेस्ड थी। हालांकि अमरेंद्र बाहुबली के पिता विक्रम देवा भी इस अभी अलग लेगेसी में है जिससे लोग अभी भी अवगत नहीं है, पर उम्मीद है कि बाहुबली 3 में हमें अमरेंद्र बाहुबली की माँ और उनके पिता की एग्जिस्टेंस के बारे में जानने को ज़रूर मिलेगा। बाहुबली 3 की इस फ्रेंचाइज की आखिरी कड़ी होने वाली है, यानी कि बाहुबली द एंड। इसीलिए इस फ्रेंचाइज को लेकर जितने भी सवाल अधूरे रह गए हैं उन सभी के जवाब हमें इस कड़ी में ज़रूर मिलने वाले हैं। खैर, क्या आप जानते हैं कि करण जौहर ने बाहुबली 2 के ग्रैंड प्रीमियर को कैंसिल करवा दिया था। जी हाँ, बाहुबली 2 का ग्रैंड प्रीमियर 27 अप्रैल 2017 को होने वाला था जिसे बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर ने कैंसिल करवा दिया था। पर आप आगे सोच रहे होंगे, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रीमियर के कैंसिल होने के पीछे की वजह एक बहुत ही ज़रूरी थी। असल में 27 अप्रैल 2017 को जिस दिन बाहुबली 2 का ग्रैंड प्रीमियर होने वाला था उसी दिन वेटरन एक्टर विनोद खन्ना की डेथ हो गई थी जिस वजह से फिल्म के प्रीमियर को कैंसिल करवाना पड़ा था। खैर, फिल्म अगले दिन 28 अप्रैल को देश भर के सारे सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी जिसने एक हफ्ते से भी कम दिनों के अंदर ही धमाकेदार तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1800 करोड़ का कलेक्शन किया था। वैसे तो इस फ्रेंचाइज के लीड किरदार बाहुबली का नाम इंडिया में एक शक्तिशाली आदमी के तौर पर समझा जाता है। बहुत से लोग खुद को बाहुबली कहकर ये दर्शाते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर और निडर इंसान है, पर बाहुबली का तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में अलग मतलब है। जहां में बाहुबली का मतलब होता है अ मैन विद स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यानी कि मजबूत बाजुओं वाला आदमी, वहीं दूसरी तरफ तमिल में इस नाम का मतलब होता है मैन हु किल्स रैशनली, यानी कि वो आदमी जो बिना किसी कारण या तर्क के किसी को भी नहीं मारता। अब बाहुबली के दो भाषाओं में दो अलग मतलब जरूर निकलते हैं, हालांकि इन दोनों का मतलब यही दर्शाता है कि बाहुबली किसी दिमागदार और ताकतवर इंसान को कहा जाता है जो अपने नॉलेज और पार दोनों का सही इस्तेमाल करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।